पुनाना में बस स्टैंड के गेट पर बनी खुर्शीद होटल पर चला प्रशासन का बुलडोजर। हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर बनी अवैध दुकानों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। अदालत के आदेश पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार सुनील कुमार के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा बस स्टैंड की जमीन पर बनी 6 दुकानों को गिरा दिया गया, जिन 6 दुकानों में खुर्शीद पुनाना की होटल भी शामिल है। सुरक्षा की दृष्टि से कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुनाना तहसीलदार सुनील कुमार ने बताया कि बस स्टैंड निर्माण के दौरान परिवहन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत से जमीन खरीदी गई थी, जिसमें बस स्टैंड के साथ साथ करीब आधा दर्जन दुकानें भी थी। बस स्टैंड निर्माण के दौरान परिवहन विभाग दुकानों को खाली नहीं करा पाया, जिसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचा और करीब 5 वर्ष तक अदालत में चला। अदालत ने करीब 4 माह पहले ही फैसला परिवहन विभाग के पक्ष में सुनाया और दुकानों को हटाने के आदेश दिए। 4 माह पहले भी लोक निर्माण विभाग द्वारा बस स्टैंड के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया और इन दुकानों को खाली कराया गया, लेकिन एक बार फिर इन दुकानों का मामला अदालत में पहुंचा और अदालत में दुकानों को हटाने के आदेश दिए, जिसके बाद सभी 6 दुकानों को हटा दिया गया। सुनील कुमार ने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ, शांति से लोगों ने अपने सामान को स्वयं ही हटा लिया गया। पुनाना से MTV हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो जी, ये पुरानी इनका झगड़ा चल रहा था, झगड़ा एक टाइप से मतलब कि 5-6 साल पुराना केस चल रहा था। ये पहले ग्राम पंचायत की जमीन थी, फिर हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दे दी गई थी। तो उसके बाद से इन लोग किराए पर रहे थे। किराए पर रहने के बाद स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि इसको खाली करना है, तो ये लोग खाली नहीं कर रहे थे, उसके लिए केस चल रहा था, तो वो केस जीत गए। तो फिर DM के ऑर्डर से आज ही खाली करवाया गया। तो करीब कितनी दुकानें हैं यहाँ पे, कितनी दुकानें तोड़ा गया है? टोटल 6 दुकानें टूटी यहाँ पे और 6 ही दुकानें बाकी हुई। और भी है क्या आगे इंक्रीमेंट होने की बात करें? नहीं, यहाँ पे तो और कुछ नहीं है। ये एक्वायर करके अधिक्रमण हटा के स्टेट ट्रांसपोर्ट को हमने ज़मीन दे देंगे, वो आगे अपना जो कुछ करें इसके बाद। कोई विरोध वगैरह देखने को मिला यहाँ पर? लोगों को विरोध किया किसी ने? नहीं, सब कुछ शांतिपूर्वक काम हुआ है, लोगों ने बहुत साथ दिया है और लोग समझते हैं कि कानून क्या होता है, उनके दायरे में रह के ही हमने काम किया और उन्होंने भी उसका पूरा साथ दिया। ये 5-6 साल हो गए होंगे शायद। ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया आपको? सर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया आपको? हाँ, मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ।